बार टांडा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर। शरीफ अहमद अंसारी ने गांव में जाकर लोगों से संपर्क करने के बाद कहा, जो लोग भी मेरे पास आए, मैंने कभी भी लोगों को निराश नहीं किया। जितना मुझे हुआ उससे ज्यादा मैंने जनता का काम किया है और मैं जनता का काम करता रहूंगा। मैं पहले नगर पालिका चेयरमैन था, उसके बाद मेरी पत्नी चेयरमैन है और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मैं हूँ। मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत विकास कराया है और मैं वादा करता हूँ कि विकास कराता रहूंगा। जिले के लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र का मजाक बनाया है। विधायक बनने के बाद भी कोई विकास नहीं कराया। शहर के लोग चुनाव के समय तो दिखाई देते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद 5 साल तक उनका रुख इधर की तरफ नहीं हो पाता। वो आते हैं और 5 साल या तो विदेश में रहते हैं या फिर यहाँ होते हुए भी हमारे बीच नहीं होते। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। 94 सभासद जीते, 2000 में लड़े, दोनों में भी तब भी जीते। 2012 में चेयरमैन लड़े निर्दलीय, वो भी जीते। फिर चेयरमैन लड़े, फिर जीते। बिलासपुरों के लड़े, तब जीते। जीते क्यों? कि सब लोगों का साथ रहा, हर बिरादरी साथ रही हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने बिरादरी सब साथ रहे। अब मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ, और भी कैंडिडेट आएंगे, अभी चुनाव क्योंकि अभी हो सकता है आगे हो, 3 महीने बाद हो, 1 साल के बाद हो, 1.5 साल के बाद हो। ब्लॉक प्रमुख भी हैं और नेता तो बाद में काम करेंगे, लेकिन मैंने तो पहले काम कराया है। मुझसे जो जिस काम पर जिसने कहा मैंने तुरंत काम कराया है और क्षेत्र में काम चल रहा है। आई जी ने भी डिमांड रखी कि खुलिया या खरंजा करा दिया, तो मैंने तुरंत यहीं से कह दिया तुरंत काम होना चाहिए। तो मैं आपके बीच का हूँ, आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ और शहर वालों से ठीक ठाक हूँ मुझे लगता है। शहर वाले क्या करेंगे ये आपको सब पता है, वोट लेके जाएंगे, उसके बाद फिर दिखाई भी देंगे। बहुत बढ़िया कुर्ता पहन के आएंगे, चश्मा लगा के काला वाला और सैंडमेंट लगाएंगे, 1 महीने के लिए आते हैं फिर चले जाएंगे। वो कहते हैं बेवकूफ़ बना के हम आ गए, ये कहते हैं वो सब लोग, क्योंकि हमने भी चुनाव लड़ाया है उनका, बहुत मेहनत करी है, बहुत ही दिल से मेहनत करी थी, चुनाव अब्दुल्ला लड़ाया था, लेकिन एक बार भी उस बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई आप ठीक है चेयरमैन साहब, ये क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, वो नहीं है। उनकी मंशा ये थी कि ये आदमी जो है कहीं आगे न बढ़ जाए, इसलिए वो रुकना चाहते थे, क्योंकि चेयरमैन ही हम अपने बलबूते जीते, ब्लॉक प्रमुख भी हमने अपने बलबूते जीते आपकी दुआओं से। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ विवाद प्रस्ताव लाने में इनका भी योगदान रहा, मौजूदा विधायक का। उनका मतलब ये था कि क्योंकि ब्लॉक प्रमुख है से गिरा दो तो ये MLA नहीं लड़ेगा, देहात में और कोई अगर ठीक है अब MLA लड़ेंगे इंशाल्लाह। सब लोगों ने फिर डिस्कस हुआ, सारे आसपास सबसे राय मशवरा हुआ, उन्होंने कहा ठीक है लड़ाया है आज तक, एक बार सेवा का मौका दो इंशाल्लाह, अगर मैं खराब नहीं उतरूँ आप, और जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ, जिस काम को मैंने कहा उस काम को कराया, चाहे किसी देखोगे जब MLA इंशाल्लाह हम लोगों ने सबने मेहनत करी बने, तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी क्योंकि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, बहुत से लोग हैं, सब आप क्रीम है, गांव के लोग क्रीम हैं, सब लोगों से ये आप लोग सबको सबको बात लानी है, सबसे कहना है, ये अपनी बातें आपके बीच लाया हूँ और बाकी